हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद आपसे फिर से मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th का साइंस, यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का अगला टॉपिक है बल का आवेग। बल का हमको क्या पढ़ना है? आवेग पढ़ना है। अब तक हमने संवेग को पढ़ा था, आज हमको पढ़ना है बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे का सीरीज पूरा देख के आए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आता होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताएंगे, ठीक है? तो रोजाना की तरह इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ नोट्स देता हूँ। एक ही पेज का नोट्स है, आप नोट करो फटाक से और देखो क्या उसमें है, फिर हम चलते हैं आगे, समझाते हैं क्या हमको पढ़ाना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, है ना? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बल का आवेग, यानी कि इम्पल्स ऑफ फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इम्पल्स ऑफ फोर्स बोलते हैं, यानी कि बल का आवेग। जानते हो आवेग क्या होता है? संवेग तो हमने पढ़ा था कि वस्तु के द्रव्यमान व उसमें उत्पन्न वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। आवेग नया आया है, संवेग को अंग्रेजी में बोलते थे मोमेंटम, आवेग को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है? तो आपने लिखा होगा बल के आवेग वाली परिभाषा में, जब कोई बड़ा बल F किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए आरोपित होता है। क्या बोल रहा है? जब कोई बड़ा बल, बल बहुत ज्यादा लगाया गया है, बड़ा बल F किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल, अल्प समय अंतराल यानी कि डेल्टा टी, मतलब कि एक बड़ा बल, मान लीजिए कोई भी बॉडी हो सकती है, उस पर आप एक बहुत भारी फोर्स बहुत कम समय के लगा रहे हो, तब बल और समय के गुणनफल को तब क्या बोलते हैं? बल और समय के गुणनफल को, बल मल्टीप्लाई बाय जो टाइम होता है ना, वही क्या होता है? बल का आवेग। अब जैसे एग्जांपल समझो, पहले जैसे मान लो कोई कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है ना? मैच जिसे को बोलते हो आप, क्रिकेट खेल रहा है, बैट बॉल खेल रहा है, तो यहाँ से बॉलर क्या करता है? बॉल को मतलब फेंकता है, तो वहाँ पे खड़ा बैट्समैन क्या करता है? बैट्समैन करता है कि बॉल को बहुत तेज हिट करता है ना। अच्छा बताओ, यहाँ पे बॉल आई, बैट पे टच हुआ, गया आगे निकल गया, है ना? अब सोचो जरा कि मतलब कि बैटमैन तो अपना पूरा बल लगा दिया, बैटमैन उसको सिक्स मारने के लिए या कुछ भी मारने के लिए अपना पूरा बल लगा दिया। अच्छा बताओ, वह बाल और बैट का संपर्क कितना देर था? बहुत सेकंड के लिए, जब आया तुरंत वापस चला गया। तो मतलब कि ऐसे कह सकते हो, बैट के द्वारा बॉल पर बल लगाया गया, लेकिन एक बड़ा बल पूरा दम लगा के मारा यार, लेकिन बहुत कम समय के लिए था, बहुत कम समय के लिए टचिंग था, यानी कि वह फोर्स बहुत कम समय के लिए था। तो ऐसे फोर्स जो किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लग जाते हैं, तो फोर्स और टाइम के मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है ना? यानी कि बल का आवेग बोलते हैं। अच्छा अब देखो यार, ये बन गया ना, आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल होता है, समय जितना देर तक लगा हो बॉडी पे। अब देखो आवेग क्या है? आवेग एक सदिश राशि है। आवेग क्या है? आवेग एक सदिश राशि है, ठीक है ना? अब आवेग सदिश राशि है तो फिर दिशा होगी इसकी। दिशा मतलब क्या? आवेग का मान भी प्लस में आता है और माइनस में आता है। एक बार जान लीजिए, जो भी राशियां सदिश है ना, वह प्लस में भी आएंगी और माइनस में भी आएंगी, और अदिश वाली केवल प्लस में आती हैं। इसका मतलब होता है, प्लस माने होता है कि जिधर वस्तु का वेग है उधर ही बल काम कर रहा है, और माइनस माने क्या होता है? वस्तु के वेग के विपरीत काम कर रहा है, ठीक है ना? बस इतना फर्क होता है, दिशाओं का फर्क। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? दिशाएं थोड़ी आगे या पीछे हो सकती हैं। अगर प्लस है तो सेम दिशा है, और अगर माइनस है तो दिशा विपरीत है बेटा, ठीक है ना? अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाँ, इसकी दिशा क्या होती है? आवेग की जो दिशा होती है ना, बल की दिशा होती है। जिधर आप बल लगाए हो उधर ही आवेग काम करेगा। बल की दिशा बराबर क्या होता है? आवेग की दिशा। मैंने क्या बोला? जिधर आप बल लगाओगे उधर ही आपका बल का आवेग का दिशा होगा। आप जिधर बल लगाओगे वही बल के आवेग की क्या होगी? दिशा होगी। अच्छा मात्रक देख लेते हैं इनका बच्चों। अब देखो मान लो कोई कहता है इसका मात्रक क्या होता है, तो सीधे सीधे बोल सकते हो बल का मात्रक, आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक बराबर बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
और समय का क्या होता है, सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। न्यूटन का असली नाम क्या है, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह बराबर एम आई, एम का किलोग्राम, ए का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर गुणे सेकंड, एक सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्या आ जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो आपको मिल गया आवेग के दो मात्रक मिल गया, या तो न्यूटन सेकंड बोलो या तो किग्रा मीटर पर सेकंड बोलो। एसआई पद्धति के मात्रक है, मान लो कोई कहता है तो सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होगा, तो क्या बोलोगे, डाइन सेकंड बोलोगे, क्योंकि सीजीएस न्यूटन का मात्रक डाइन होता है, या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बोलोगे, ठीक है ना। अब देखो जरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है हमारी कि आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध क्या होता है, ठीक है ना। हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध, बहुत टॉप चीज़ पर बच्चों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। 11वीं में ही पढ़ने को आप पाओगे बढ़िया ढंग से, अभी विस्तार में पाओगे आवेग व संवेग परिवर्तन में संबंध, आवेग व संवेग परिवर्तन में संबंध हमको बताना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, अच्छा बल का आवेग को हम दिखाते हैं कैपिटल आई से, इंपल्स है ना, आई से शुरू होता है, तो बल का आवेग दिखाते हैं कैपिटल आई से। आवेग बराबर क्या होता है, बल गुणे समयांतराल, इसे डेल्टा टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। डेल्टा टी माने समय ही होता है, और समयांतराल क्यों कहा जाता है कि मान लो कोई बॉडी चल रही है, जब चल रही है तो हमने 9:05 पर देखा, जब चल रही है, समयांतराल का मतलब समझो, मान लो जब बॉडी चल रही है तो हमने देखा घड़ी में 9:05 हो रहा है, और थोड़ी देर बाद देखा तो कितना हो गया, 9:10 हो गया, तो कितना समय का अंतराल हुआ, 5 मिनट का हुआ ना, तो वही होता है, ठीक है ना। अभी हो गया आई बराबर एफ गुणे डेल्टा टी होता है, यानी कि बल का आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल होता है, और न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होता है, यह बराबर एम ए होता है, इसलिए हम कह सकते हैं आई बराबर एम ए डेल्टा टी हो गया। आई बराबर क्या हो गया हमारा, एम ए डेल्टा टी हो गया। और ये यहाँ पे क्या है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, बल लगाने पर, बल लगाओगे तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण उत्पन्न होगा ना, वही है हमारा। अब देखो यम और ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल होता है, ठीक है ना, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समयांतराल। उसी समय की बात हो रही है जितने समय में टच हुआ, समझो हमारी बात को, जितने मतलब बैट ने बाल को जितना समय तक टच किया होगा उतने समय तक बल लगाए होगे ना तुम, तो उतने समय तक बल लगाया तो उतने तो समय के लिए आप त्वरण की बात करोगे, तो वही समय यहाँ भी काम करेगा, ये जाएगा कट। अब यह कितना आ जाएगा, एम बराबर डेल्टा वी, एम बराबर क्या, सॉरी आई बराबर एम गुणे डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, वेग में परिवर्तन, यू से वेग वी हो गया होगा, शुरुआत में वेग यू रहा होगा, बाद में क्या हो गया होगा, वी हो गया होगा, प्रारंभिक वेग यू और अंतिम वेग हमारा क्या हो गया, वी हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, डेल्टा वी का मतलब क्या, यम, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों वी माइनस यू, और बस खत्म हो गया। अच्छा ये देखो जरा, आई बराबर हो गया एम वी माइनस क्या हो गया, एम यू हो गया। शुरुआत में वेग यू था तो संवेग क्या था, एम यू था, अंतिम में वेग वी हो गया, संवेग क्या हो गया, एम वी हो गया। यह क्या है, अगर आप संवेग वाला लेक्चर देख के आए हो तो बड़े आराम से कह सकते हो, बल का आवेग बराबर, बल का आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, बल का जो आवेग होता है ना वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, और जो मात्रक संवेग का होता है वही बल के आवेग का होता है। अच्छा संवेग P बराबर क्या होता है, एम वी, मात्रक क्या होगा, किग्रा मीटर पर सेकेंड, इसका भी मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, मैंने क्या बोला आपसे कि अब हम क्या बोलेंगे कि अतः संवेग परिवर्तन को ही, वस्तु में हुए संवेग परिवर्तन को ही बल का आवेग कहते हैं, वस्तु में हुए संवेग परिवर्तन को ही बल का आवेग कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी, बल का आवेग क्या होता है, वस्तु के संवेग में हुआ परिवर्तन को ही बल का आवेग कहते हैं। या तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे सवाल लगाने में, हवाला कहाँ, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ऐसे कह लो,
या क्या संवेग, देखो और एक बात, और बल क्या था, संवेग परिवर्तन की दर, इसी के नीचे जब डेल्टा टी का भाग दे दिया गया था तो संवेग परिवर्तन की दर हो गया था, और संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या बल कहते थे, लेकिन केवल संवेग परिवर्तन को बल का आवेग कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको भली बात समझ में आ गई होंगी। मैंने क्या बोला, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, लेकिन केवल और केवल संवेग परिवर्तन को क्या बोलते हैं बच्चों, बल का आवेग बोलते हैं, ठीक है ना। अब हो गया हमारा काम खत्म, हम चल रहे हैं सवाल लगाने। बढ़िया बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा यहाँ तक, और अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दो, यस सर समझ में हमको आ गया, कुछ सवाल लगाते हैं। बढ़िया बढ़िया, तो नीचे स्क्रीन पर बच्चों आप सवाल नंबर पहला देख क्या पढ़ने को पा रहे हो कि किसी पिंड पर 5 न्यूटन का बल। सवाल नंबर पहले का सॉल्यूशन देखो जरा क्या बोल रहा है, दिया है, क्या है, दिया है बल बराबर कितना है, 5 न्यूटन का बल 2 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, और समय टी बराबर क्या है, 2 सेकंड। तो कह रहा है कि बल का आवेग ज्ञात कीजिए, आई बराबर क्या होता है, एफ गुणे डेल्टा टी होता है, एफ का मान 5 × 2 = 10 न्यूटन सेकेंड या कि ग्राम मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। सवाल नंबर पहला हमारा क्या हो गया, लग गया। सवाल ऐसे ही आएंगे और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा, मैं क्या करूँ, इतना आसान सवाल है, तो मेरी गलती क्या है। अब देखो सवाल नंबर दूसरे का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, सवाल नंबर दूसरे का सॉल्यूशन है, मतलब सवाल क्या बोल रहे हैं आप नीचे देखने को पा रहे हो वाली भांति, क्या लिखा है, किसी 0.2 किग्रा द्रव्यमान की गेंद में, देखो दिया क्या है, वस्तु का द्रव्यमान दिया है, यम होता है ना 0.2 किलोग्राम है, 200 ग्राम का है, और मतलब कि 3 m/s² का त्वरण उत्पन्न करने में, यानी कि टी, अरे ए बराबर क्या है, 3 m/s² त्वरण उत्पन्न करने में 4 सेकंड लगते हैं, टी का मान कितना है हमारा, 4 सेकंड लगता है। तो बोल रहा है कि बल का आवेग ज्ञात कीजिए, क्योंकि आई बराबर क्या होता है बच्चों, यम गुणे डेल्टा टी होता है ना, कोई बात नहीं है, क्या होता है, आई बराबर यम गुणे डेल्टा, सॉरी एफ गुणे डेल्टा टी होता है, एफ अरे बल गुणे समांतराल होता है ना, तो अरे बराबर क्या होता है, एम आई डेल्टा टी हो जाएगा, एम का मान 0.2, ए का मान हमारा कितना है बच्चों, ए का मान है हमारा 3 और डेल्टा टी का मान है 4, 4 × 12 = 24 यानी कि 2.4 न्यूटन, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2.4 न्यूटन और सेकेंड या फिर ग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, कितना आसान है। आई बराबर गुणे डेल्टा टी होता है, उसको अलग अलग कर दी एफ को, या मई से हमको लगाना पड़ा, आराम से आ गया सवाल, तो बिल्कुल हलवा है। देखो सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है सॉल्यूशन, आप सवाल नीचे पढ़ने को पा रहे होगे, लिखा है 7 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु में, क्या बोल रहा है, 7 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में, देखो यम बराबर क्या दिया है, 7 किलोग्राम, यहाँ पे लिखना पड़ता है दिया है, 7 किलोग्राम की वस्तु है, 5 m/s का वेग परिवर्तन करने के लिए, क्या बोल रहा है, वेग परिवर्तन कर दो 5 m/s का, यानी कि अगर 15 है तो उसको 20 कर दो, ये परिवर्तन है, वेग का परिवर्तन है कि 15 से 20 कर दिया, तो कितना हुआ परिवर्तन, 5 का हुआ परिवर्तन, करने के लिए आवश्यक आवेग की गणना करो, यार आई का मान क्या होता है, एफ गुणे डेल्टा टी होता है ना, और अभी पढ़ क्या है, हो यम ए डेल्टा टी होता है, और अभी जानते हो यम ए का मान क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ए कट जाएगा, ये होता है यम गुणे डेल्टा वी होता है, यम का मान 7 किलोग्राम और डेल्टा वी का मान 5 है, कितना आएगा, 35 न्यूटन सेकेंड या 35 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड आएगा, ठीक है ना। ये सवाल नंबर हमारा कौन सा लग गया, तीसरा, और हम चल रहे हैं इसका भी एक शॉट ले लो आप, अब चल रहे हैं सवाल नंबर लगाने चौथा बच्चों, और आपको बता दूं ये पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा, छोटा छोटा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, और अगर समझ में आता है तो भरपूर तरीके से आप हमको बताया करो कमेंट बॉक्स में कि यस सर हमको समझ में भरपूर तरीके से सब कुछ आता है, ठीक है। तो अब देखो यार अंतिम सवाल इसका, और बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है होने वाला है, और ध्यान लगा के देखिएगा, और यह पार्ट भी हम ख़त्म कर देंगे, एक लेक्चर और है छोटा सा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, देखो चौथे का सॉल्यूशन, चौथा क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक पिंड का संवेग 1 मिनट में
300 किग्रामीटर पर सेकेंड से पढ़कर 900 किग्रामीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है ना। प्रारंभिक संवेग देखो जरा दिया है, प्रारंभिक संवेग P1 कह सकते हो, कितना दिया है 300 किग्रामीटर पर सेकेंड, 300 किग्रामीटर पर सेकेंड। एंड अंतिम संवेग क्या दिया है, P2 का मान दिया है 900 किग्रामीटर प्रति सेकेंड दिया है, ठीक है ना। और टाइम कितना लगा है डेल्टा टी का मान कह सकते हो, एक मिनट, मिनट में काम करना नहीं है, यानी कि 60 सेकेंड SI मात्र में काम करना होता है। पिंड पर आरोपित बल तथा बल के आवेग की गणना करो। यार बहुत खराब सवाल दिया नहीं। अच्छा बल या बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर होता है ना, तो कितना हुआ है परिवर्तन, P2 देखो डेल्टा P माने क्या होता है, P2 माइनस P1, या फिर अंदाज में बोल दो ना कि 300 से 900 हो गया तो 600 बढ़ा है, वही परिवर्तन है 600 और समय का मान 60 सेकेंड है, एकड़ की कितना आ जाएगा 10 न्यूटन हमारा आ जाएगा ये, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ है। और क्या पूछ रहा है, बल का आवेग ना, बहुत खराब सवाल है। बल का आवेग क्या होता है बच्चों, संवेग परिवर्तन ना, यानी कि P2 माइनस P1 बराबर, P2 का मान 900, P1 का मान 300, यह कितना मार आ जाएगा 600 न्यूटन सेकेंड या किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। देखा, अब इससे कठिन सवाल तुम्हारी किताब में और तुम्हारे लिए थोड़ी बनने वाला है इससे कठिन सवाल नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो कमेंट बॉक्स से हमको फटाक से बता दो कैसा हमारा ये समझ में आया वीडियो, कि नहीं आया। और एक छोटा सा लेक्चर और लेके आएंगे इस पार्ट में, इसको ख़त्म कर देंगे और मस्ती से खाया जाएगा, क्या क्या खाया जाएगा, भुट्टा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऑल द बेस्ट।